की कमी है। मिथिलानी बोली, यहाँ तो गाली खाने को मिलती। वाह, मिथिलानी आज कह रही है लखन लाल जी से, बहुत शांत है। मिथिला में आए और बिना चिट्ठी के आए, बिना पत्रिका के आए, हमने कोई चिट्ठी नहीं भेजी है, आप आ गए। धनु से अग्र सोने क्या है उमंग में, बिना पत्रिका के आप आ गए, विश्वामित्र जी के साथ आ गए और बाबा के साथ कमंडल लेकर ढूंढ रहे। महाराज, वैवाहिक के चक्कर में आप कमंडलधारी बनकर आ गए। मिथिलानिया कह रही है, लखनलाल जी कहते हैं, मान लो। क्या मान ले? मान लो हम और हमारे राम जी बिना चिट्ठी के आ गए, तो यह तो मेरे प्रभु की करुणा है, ये तो उनका स्वभाव है। आज लखनलाल जी कह रहे हैं, आपको मालूम है, अरे मिथिलानियों, जब प्रभु आ रहे थे ना, तो मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया है। मिथिलानिया जवाब देती है, मग में मुनि पिए मध्य सिलाते, राजकुमार का काम है कि मदारी का काम है। आपने पत्थर से स्त्री प्रकट करी, ये काम तो मदारी का। लखनलाल जी कहते हैं, भूल गई हमारे राम जी के रूप को देख करके आप सबकी सब पागल हो गई थी, आप सब दीवानी हो गई थी।
ओ एक मिथिलानी बोली, माना कोई छिमाही परीक्षा में पास हो जाए, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में फेल हो जाए तो उसे फेल मानते। कैसे? सुंदरता